नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी के एक ब्लॉग टाइप्स की वीडियो की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दिखाएंगे हमारी मेथी की ऑर्गेनिक खेती। हमारे पास पिछले कई वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं और हमारे मित्र भाई बहन बोल रहे हैं कि सर, आप ऊपर से दूर से अपनी खेती को बताते हो, उसमें ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई फसल लगाई हुई नहीं है। एक दो कोई फसल लगाई होगी जिसमें आप बोलते हो कि हमारी ये जैविक खेती है, 16-17 तरह की सब्जियाँ कहाँ है। तो देखिए, मैं आपके लिए बता दूँ कि हमारे पास 20 सब्जियों से ऊपर इस खेत में लगी हुई है। एक एक सबके सभी सब्जियां मैं आपके लिए दिखाऊंगा। ये आज हमारी 38 या 39 दिन की मेथी की खेती हो चुकी है और जो मैं आपके लिए जैविक हाई पावर जैविक खाद बनाने की वीडियो बताता हूँ ना, उसमें जो मेथी दाने की बात होती है, उसमें मेथी के बीज की जो बात होती है, वह इसी मेथी की बीज है। मतलब कि उस मेथी के बीज को जब आप बोओगे, उगाओगे, तो फिर इस तरह की मेथी बन जाती है जिसे मेथी की खेती बोलते हैं। तो ये हमारी 38 या 39 दिन की हो गई है मेथी की फसल, जो कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। वैसे तो अभी ये क्या है कि 4-5 दिन पहले ही हार्वेस्ट हो जाती, लेकिन बारिश हो रही है 3 दिन से तो लगातार, तो इसको हार्वेस्टिंग कटिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम खेत में जाकर इसकी कटिंग करें। आज थोड़ी बहुत धूप निकली है तो आप देख सकते हैं 3-4 दिन में तो और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन यदि आप मेथी की भाजी के लिए खेती कर रहे हैं तो और इससे छोटी ही होना चाहिए मेथी की भाजी, तभी आपको इसके लिए हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, कटिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि छोटी मेथी की साइज रहेगी तो वह मंडी में अच्छी सेल हो जाती है, मार्केट में अच्छी सेल होती है, बड़ी साइज के थोड़ा सा दाम कम मिलता है। लेकिन फिर भी हम इसको सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ सो ठीक हुआ, अच्छा हो गया, बारिश तो हो गई, लेकिन कई किसान भाइयों का नुकसान हो गया, इसके में बहुत ही दुख है। ओले गिर गए, आज रात को इसमें गाय घुस गई और देखिए ये 40 दिन की मेथी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितनी साइज ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि हमारी ये जैविक खेती है और यदि आप भी जैविक खेती करोगे तो वाकई में आपकी लागत कम आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और मार्केट में अच्छा सेल होगा। और जो किसान भाई सोचते हैं कि हमारी हम जैविक खेती कर रहे हैं और हमें अच्छे दाम नहीं मिल रहे, तो भाई चिंता मत करिए, कभी तो मिलेगा। और दूसरी बात, आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आपका कीटनाशक का पैसा तो बच रहा है, रासायनिक खाद का पैसा तो बच रहा है। जो भी आपने पैसा बचाया है उसको अपने प्रोडक्शन में या फिर जो प्रॉफिट हुआ है उसमें जोड़िए, ऐड करिए, तो आपको लगेगा वाकई में फ़ायदा हुआ है। जहां एक बीघा में 15,000 से 20,000 रुपये की लागत आ जाती है, 20,000 रुपये तो हम क्या करते हैं, एक बीघा में कीटनाशक और खाद के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब फसल जो भी बिकी, जो भी प्रॉफिट हुआ, उसमें 20,000 और प्लस कर दीजिए तो आपकी फसल तो महंगी हो गई ना। अब मार्केट में आपको 2 रुपये ज़्यादा नहीं मिले तो चिंता मत करिए, कभी तो मिलेगा। लेकिन आपने एक क्रांति तो ला दी ना, एक समय तो चेंज कर दिया, अपनी लागत को तो कम कर दिया और आपके आस पड़ोस के 4 किसान भाइयों को जागरूक तो कर दिया। तो ये भी एक कम योगदान नहीं है आपका जैविक खेती करने में। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म व्यवस्था जमा रहे हैं, जितने भी भाई बहन मित्र किसान भाई जैविक खेती करते हैं उनके उत्साह को और बढ़ाया जाए तो उसके लिए उनको कुछ योगदान भी उपलब्ध कराएंगे, तो उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी, साथ ही उनको कुछ गिफ्ट भी पहुंचाया जाएगा हर फसल पर। और उनका क्या फीडबैक रहा, कितनी मेहनत लगी, कितना फ़ायदा हुआ, वो सब फीडबैक लेके लाइव सभी के लिए दिखाया जाएगा। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, हमारा काम चल रहा है, तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसको आपके लिए दिखाया जाएगा। और हमारा जो अर्निंग वाला सॉफ्टवेयर था वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। अभिषेक सर से कल ही बात हुई थी तो उन्होंने कंप्लीट करवाने में काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया है, तो बोल रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा। देखिए, मैं भी डेवलपर हूँ, लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति इतने सारे काम नहीं कर सकता। हम क्लाइंट्स के, आप सभी के प्रोजेक्ट लेते भी हैं, फिर उनको क्रिएट भी करवाते हैं, तो हमारे पास डेवलपर की टीम है, तो उनसे हम क्रिएट करवा के आपकी हेल्प करवा पाते हैं। तो यदि आप भी किसी इसी तरह के कोई प्रोजेक्ट या कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना चाहते हैं तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक जीमेल आईडी दिया है, तो वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी जैविक खेती हो गई मेथी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पालक दिखाएंगे, जो कि दो तरह के पालक रहेंगे, और भी हम हमारी नर्सरी और फसल दिखाएंगे। तो आप एंजॉय कीजिए, और कोई डाउट है, कोई सवाल है, किसी तरह की कोई समस्या चल रही है खेती करने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और जो भाई बहन मित्र हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि खेती किसानी किसी तरह की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।